हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड यानी कि आयु में जो छूट है वो देने का फैसला हुआ है, तो काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यूपी पुलिस की पूरी तैयारी के लिए। तो एज रिलैक्सेशन देने का फैसला यहाँ पर किया गया है, तो पूरी अपडेट हम यहाँ पर देखेंगे किसने ये फैसला दिया है और कहाँ पर ये खबर आपको मिलेगी। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जागरण जो है न्यूज़पेपर, उसका ये ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, एक कटिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यूपी पुलिस, माफ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि सिपाही भर्ती में आयु सीमा में मिलेगी छूट, सीएम योगी ने यूपी के युवाओं को दी बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी जो भी एस्पिरेंट कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर लिखा गया है कि यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की शाम यानी कि आज के ही दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि युवाओं के हितों और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह से क्या है, प्रतिबद्ध है। तो आगे पढ़ते हैं क्या और यहाँ पर लिखा गया है। तो ये फैसला लिया गया है, पूरा ट्वीट भी आपको दिखाएंगे क्या था वो ट्वीट। तो डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु की 3 वर्ष की छूट देने का यहाँ पर जो है वो निर्णय, यानी कि 3 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी हर कैटेगरी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर इस बात पर जानकारी देते हुए यहाँ पर लिखा है। अब वो ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर यहाँ पर ये ट्वीट किया गया है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो ये योगी आदित्यनाथ, ये एक्स कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये लिखा गया है कि युवाओं के हितों में उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट किसी कारणवश एज के कारण यूपी पुलिस जो था वो नहीं भर पा रहे थे, फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे थे, तो उनके लिए जो है वो 3 साल की जो है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर और देने का फैसला किया गया है। कभी भी आपको जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो भी कैंडिडेट जो भी एज के कारण नहीं भर पा रहे थे वो भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और थोड़ी सी खबर देख लेते हैं और कहाँ पर ये खबर आई है। तो थोड़ा सा बैक करते हैं और सर्च मारते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर एक और है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आज तक में भी ये खबर है, कह रहा है कि यूपी पुलिस भर्ती आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला किया गया है। आज तक की खबर का बड़ा असर यहाँ पर हुआ है। नीचे बात करते हैं, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो यूपी पुलिस के बेरोजगार दस्तक युवाओं ने कम उम्र में क्यों नहीं, तो ये पूरी अपडेट थी। तो यहाँ पर जो है अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये पूरा अपडेट यहाँ पर मिल गया है। जैसे अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह के इस बारे में होने वाली पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों की सीमा में 3 वर्ष की छूट दिए जाने के निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं। तो कभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। आज तक पर चली खबर में लाखों नौजवानों के दर्द का एक रिपोर्ट के बाद यूपी सरकार ने यह सुनवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के कांस्टेबल में भर्ती की आयु सीमा में छूट को लेकर डीजीपी और मुख्य सचिव गृह को निर्देश यहाँ पर दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड जल्द ही कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट का आदेश जो है वो जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आपको कभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो एज रिलैक्सेशन के बारे में मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे उन सबके लिए बड़ी खबर है और एक अच्छी खबर है। तो फटाफट से अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कर दीजिए ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी कैंडिडेट नहीं फिल कर पा रहे थे किसी कारणवश वो भी अब यहाँ पर फिल करने पाएंगे और कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो यूपी पुलिस की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए यही अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।